आज हम नाइन्थ क्वेश्चन के ही थर्ड पार्ट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन किया था, सेकंड और थर्ड एज ए प्रैक्टिस दिया था। थर्ड में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो है, कॉर्नर पर आई बटन है, उसे प्रेस करके देख के आप सिक्वेंसली एक मोमेंटम में आ सकते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन जो है इसका जो पार्ट ये है थर्ड, इसमें किस तरह का है एक्सप्लेनेशन थोड़ा एक बार देख लीजिए। क्या रहेगा पॉइंट? ए यूनियन बी बाय सी, इसको हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी बाय सी, इसका आपको एक एज ए फॉर्मूला इसको ध्यान रखना है। ए बाय सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन बाय सी, इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसे आप बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए ज़रा तरीका देखना। ए बाय सी है, ऊपर इनका इंटरसेक्शन आएगा बाय सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बी और सी है, ऊपर बी और सी का इंटरसेक्शन होगा अपॉन सी। तो देखिए बी बाय सी, बी इंटरसेक्शन सी अपॉन सी माइनस इन दोनों का, देखिए इंटरसेक्शन ऑलरेडी है साथ ही साथ सी का, अपॉन पी सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें ये तीनों वैल्यू प्राप्त करनी होगी। तो इस तीनों वैल्यू को प्राप्त करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से हैं, और फिर ये वैल्यू इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि ये वैल्यू होगी क्या। पहले तो वैल्यू, पहले तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? ए और सी दोनों में कॉमन नंबर्स कौन से आ रहे हैं, वो इंटरसेक्शन होगा इसका। तो 3, 5 दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया 3, 5 इस तरह से। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? 2 हैं, टोटल होते हैं 6, यहाँ पे 1/3। इसी टाइप से बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए बी और सी का कॉमन जो है वो कौन सा सेट बनेगा? बी और सी में 2, 3 है, वो दोनों में कॉमन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करें, अगर बी और सी की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की, तो बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/6, 1/3। अब लास्ट रहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको किस तरह से फाइंड करना है। उसके बाद इसी फॉर्मूले का हम दोबारा यूज करके वैल्यू पुट करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तीनों का कॉमन कंपोनेंट कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए 1, 3, 5, इंटरसेक्शन बी 2, 3, इंटरसेक्शन सी। तीनों में कॉमन देखिए 3 तीनों में आ रहा है, और कोई भी नंबर तीनों में नहीं हो रहा है रिपीट, इसलिए एक ही कंपोनेंट हुआ। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरह से होगी, 1 है 1/6। तो इस प्रकार हमने ये प्राप्त कर लिया, 1/6 इनके प्रोबेबिलिटी होगी तीनों के इंटरसेक्शन की। बी और सी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ फाइंड कर ली 1/3, और ए और बी, ए और सी की जो है इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3। इसको हम अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें पुट करते हैं इन तीनों वैल्यू को, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन थी जो हमने शुरुआत में इस प्रश्न के थर्ड पार्ट में ही डिस्कस की थी, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको बाय फॉर्मूले से इस तरह से फाइंड किया जाता है, अपॉन पी सी
प्लस बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे अपॉन पी सी, और माइनस यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट है और साथ में सी भी यहाँ पे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी, ये अपॉन में पी सी सब में रहेगा। ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी देखिए 1/3, और पी सी की हम ऑलरेडी जानते हैं 1, 2, 3, 4 है, तो 4/6 2/3। पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें पी सी की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड करने का तरीका आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे चार कंपोनेंट है और 4/6 करेंगे तो 2/3 ये प्राप्त हो जाता है पी सी की प्रोबेबिलिटी। बी इंटरसेक्शन सी 1/3 अपॉन 1 2/3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने प्राप्त किया 1/6 अपॉन 2/3। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बड़ा इजीली हम वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, 1/2 यहाँ पे, ये भी 1/2, माइनस जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कट आउट हो जाएगा 2 से, और 2 2 4 1/4 हो जाएगा। इसकी जो कैलकुलेशन है पूरी आप कंप्लीट करेंगे तो 2 + 2 - 1 3/4 ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसका, ए यूनियन बी बाई सी की प्रोबेबिलिटी 3/4। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाता है, आप फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने ये एज ए प्रैक्टिस दिया था और इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम के तौर पे इसको हमने वापस डिस्कस किया है। फिर इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं वो किस तरह से है। सेकंड पार्ट इसका तो बड़ा आसान है, ए इंटरसेक्शन बी बाय सी, तो बाय फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, जो ऊपर है एज इट इज़ उसका अपॉन में जो लिखा है उसके साथ इंटरसेक्शन अपॉन पी सी, और इसकी वैल्यू हमने अभी डिस्कस की है 1/6, और पी सी की वैल्यू 2/3। ये 3 जब कैलकुलेट करके इस तरह से करें तो हम प्राप्त कर लेंगे इजीली 1/4 वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी बाई सी की। इसका हमने पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, उसका जो लास्ट पार्ट हमने माइनस किया था 1/4 ही था। अब इसी कंटिन्यूशन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दो पासों को उछालने के बारे में जिक्र किया गया है। एक पासे पर अंक होता है 6 और जब उसके दो बार उछालने का जिक्र किया जाए तो power 2 लगानी है, power 2 लगानी है। टोटल जो चांसेज है, टोटल जो घटना घटित हो सकती है वो 36 बनेगी। इसका हमने फॉर्मेट ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब पासा उछाला जाता है तो वो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमने नंबर लिए थे और फिर यहाँ पे भी 6। तो इस फॉर्मेट की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत तो नहीं है, वैसे क्वेश्चन के साथ आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। पासों को फेंकने पर प्राप्त जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने का मतलब यहाँ डिफरेंट है, नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट नंबर में देखिए जो सेम नंबर होते हैं उसके अलावा, सेम नंबर में आप जैसे देख सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6, यहाँ पे तो सारे के सारे नंबर क्या हैं, सेम है। 36 घटनाओं में से ये 6 घटना ऐसी है जिसमें नंबर सेम आते हैं, तो भिन्न भिन्न होने के लिए यानी डिफरेंट होने के लिए कितने घटना होगी, इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट इन ए 30 होगा। ध्यान रखें 30 घटनाएं ऐसी होगी जिसमें दोनों अंक आपस में अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। इस तरह से आप फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/36, ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। कैलकुलेट करें 5/6। बी इवेंट हमें दे रखा है दूसरी घटना, दोनों अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4।
तो ऐसी घटना लिखते हैं हम जिसपे दोनों अंकों का योग चार हो रहा। देखिए एक और तीन टोटल चार हो गया, दो और दो भी चार हो गया, तीन और एक भी चार हो गया। तो ए और बी में जब हम कॉमन बात करें, कॉमन इसकी क्या होगा, तो उसके लिए नोट करेंगे कि दोनों अंक भिन्न भिन्न होना चाहिए और दोनों का योग चार होना चाहिए। तो वो दोनों अंक ये देखिए भिन्न भिन्न हैं और अंकों का योग भी चार है, ये इनका इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, दो घटना हो गई ये टोटल 36, तो 1/18 हो गई। और बी में देखिए 1, 2, 3 कंपोनेंट है, तो पी बी जो होगी 3/36 यानी 1/12 होगी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पर्टिकुलर आप जब क्वेश्चन को वापस रीड करें तो देखेंगे कि क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक घटित होना दिया गया है। तो जो हमें दिया गया है उसको हमें नीचे रखना है, फाइंड है बी बाई ए करना है हमें। इसका इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, एक घटित होना दिया गया है। इस घटना में से इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/18 और पी ए हमने अभी डिस्कस किया है 5/6। कैलकुलेट करें तो ये 6/5 आ जाएगा और यहाँ कट आउट होके इसको हम 1/15 जो हमारा आंसर है। इन 36 घटनाओं में से इन 6 घटनाओं को छोड़ के 30 घटना ऐसी है जिसमें अंक भिन्न भिन्न आते हैं, और उन 30 घटनाओं में दो घटना ऐसी होती है जिनके अंकों का योग चार होता है। तो आप यूँ देख सकते हैं कि 30 में से जब दो हमने सॉल्व किया तो इसको आंसर हमने कैलकुलेट करके 1/15 प्राप्त कर लिया, जो इस तरह से हैं विथ मेथड। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि बक्से के अंदर कार्ड है और प्रत्येक कार्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है, 1, 2, 3 इस तरह से 10 कार्ड है और प्रत्येक पे एक यानी 10 तक नंबर लिखे हुए। टोटल नंबर ऑफ जो कंपोनेंट है सैंपल स्पेस में वो 10 होंगे। ए घटना जिसमें बोला है 3 से अधिक में 4, 5, 6 इस तरह से 10 तक होंगे, टोटल 7 अंक होंगे, ये घटित होना हमें दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से ध्यान दें, ये दिया गया है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें 3 से अधिक अंक 7 आते हैं और अपॉन 10, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी 10 में से 7 अंक हो गए। पी बी है सम संख्या आना, इवन नंबर प्रकट होना, ये इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर यहाँ पर है हमारे पास 5 हो गए इवन नंबर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 5/10 यानी कि 1/2 हो गई है। इंटरसेक्शन क्या है ए और बी का, यानी कि 3 से बड़ा भी है और सम संख्या भी है, तो 3 से बड़ा 4 है, 6 है, 8 है और 10 खुद हैं जो सम संख्या भी है और 3 से बड़ा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी की जो इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस तरह से निकलेगा, 1, 2, 3, 4 / 10 ये हमारे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आई। गिवन है हमें ए, इसलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके लिए आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है, जो गिवन है वो नीचे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/10 और पी ए हो गया 7/10, 10 से 10 कट आउट और हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा 4/7। बहुत ही आसानी से ये हमने प्राप्त कर लिया। इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यही ध्यान रखना है कि गिवन क्या है उसे नीचे रखना है, दिया जो है वो हमेशा नीचे रहेगा, ये आपको बस ध्यान रख लेना है। ये कंडीशन इस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12 में एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट
दे रखे हैं 1000, 1000 विद्यार्थी हैं, उसमें से लड़कियों की संख्या 430 है। ये ए है इवेंट लड़कियों के लिए, और बी हैं क्लास ट्वेल्थ की लड़कियां। क्लास ट्वेल्थ में कितनी लड़कियां हैं इसके लिए देखिए 430 का 10%, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई होता है 10% ऑफ 430, 10% जब हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, इस तरह से 43 गर्ल्स हैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर। ये बी है। अगर हम बात करें पी ए की, तो 1000 में से 430, 430 लड़कियां हैं, तो ये पी ए आ गया। पी बी की 1000 में से क्लास ट्वेल्थ में 43 गर्ल है, और ए इंटरसेक्शन बी की बात करें यानी कि क्लास ट्वेल्थ की हो और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में शामिल हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 43/1000 ही होगी। हमें ये दिया गया है कि जो विद्यार्थी चयनित हुआ है, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन किया है, वो एक लड़की है, यानी लड़की होना दिया गया है, तो उसके क्लास ट्वेल्थ की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें कंडीशन डाल दी। ए होना यहाँ पे ज्ञात है, ध्यान रहे, लड़की सेलेक्ट हुई है ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी फाइंड किया, दोनों का कॉमन पार्ट 43 होगा, क्योंकि ये 10% 43 जो हमने प्राप्त किया था, 10% किसका था, 430 का था, इन्हीं में से ये 43 है, ये ध्यान रहे। इसलिए इंटरसेक्शन बी वही होगा जो पी बी होगा। अब हम इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 430/1000, 1000 से 1000 कट आउट हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/10, बहुत ही आसानी से ये प्राप्त हो गया आंसर। अब क्वेश्चन 13 में एक पासे को दो बार उछाला, पासे पर 6 अंक है, दो बार उछालने पर 36 घटना घटित होती है, इसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया है। तो नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस ns इक्वल टू 36 आएगा, ध्यान रखें। अंकों का योग 6 प्रकट होना, दोनों अंकों का योग 6 प्रकट होने के लिए देखो संभावित घटनाएं कौन सी होगी, 15, 24, 33, 42, 51, इस प्रकार 5 संभावित घटनाएं होगी जिसमें अंकों का योग 6 प्रकट होता है। और इसके बाद हमें जो बी इवेंट है इसमें दे रखा है न्यूनतम एक बार 4 प्रकट होना, यानी कि 4 का एक बार प्रकट हो जाना। तो यहाँ देखिए 14, 24, 34, 44, 54, 64, 41, 42, 43, 44 ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, 45 और 46, ये टोटल कितनी घटना होगी काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट 11/36 है, और यहाँ पे देखिए ए के लिए 1, 2, 3, 4, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36 है। अब बात करते हैं इसके इंटरसेक्शन की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों अंकों का योग 6 होना चाहिए और कम से कम 4 यहाँ प्रकट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन पे अंकों का योग 6 हो रहा है और यहाँ पे भी अंकों का योग 6 हो रहा है, जो इसमें सेम है देखिए। तो इनके इंटरसेक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे 2, 4, 4, 2, कम से कम 4 भी आ रहा है और दोनों अंकों का योग 6 भी हो रहा है,
वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी देखिए 112/36। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अंकों का योग 6 पाया गया है, यानी कि 6 दिया गया है। हमें ये ज्ञात करना है कि जो न्यूनतम 4 जो आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी उन 6 अंकों के योग में से। तो इसका तरीका बड़ा आसान है, देखिए ए घटित होना दिया है इसलिए ए को नीचे रखना है, यहाँ पे बी ऊपर रखेंगे, जो दिया है वो हमेशा नीचे रखना है, ये ध्यान रखें। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, वैल्यू पुट करें ए इंटरसेक्शन बी की तो यहाँ पे 2/36 और पी ए हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, पी ए की वैल्यू 5/36, 36 कट आउट हो गया, 2/5 ही हमारा आंसर प्राप्त हो गया कि इन 5 घटनाओं में से 2 ऐसी घटना है जहाँ पे 4 प्रकट हो रहा है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 5 में से 2 प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। 14 क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी इस प्रकार है, एक सिक्के को उछाला, हेड या टेल प्रकट हुआ, आप जानते हैं। प्रश्न के अनुसार हेड यानी कि चित आने पर इसे दोबारा उछालना है और पट आने पर एक पासा उछालना है, और पासा उछालने पर 6 संभावित घटना घटित होती है। इस प्रकार से हमारे पास इवेंट आएगा इस तरह से, हेड हेड, दूसरी इवेंट होगी हेड टेल, फिर यहाँ से टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ये टोटल इवेंट होंगी हमारे पास इस तरह से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा। शुरुआत में आप ध्यान रखें सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है उनकी योग हमेशा 1 होता है। ये 1 से पहली बार उछालने पर 50-50 हो गए, इसका 50% चांस होता है हेड और टेल आने का, 1/2, 1/2 इस दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इस 1/2 के भी 2 और भाग हो रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4। तो हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखें, हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें इसको। हेड के बाद टेल प्रकट होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 1 था, 1/2, 1/2 दो पार्ट हो गए। अब 1/2 के आगे देखिए 6 पार्ट हो रहे हैं, तो 1/2 के 6 पार्ट किया तो हमने इसके ईच पार्ट की वैल्यू निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू प्राप्त होगी 6 का डिवाइड देने से 1/12। तो इस पार्ट की भी 1/12, सब की 1/12, ऑल पार्ट्स। तो T1 यानी कि टेल 1 प्राप्त होने की 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, यहाँ पे भी 1/12 और 1/12, ये टोटल सारे के सारे इस तरह से घटना घटित होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी भी इस तरह से होगी। अब प्रश्न में देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है उसका एक बार आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, इसमें हमें दे रखा है कम से कम एक बार पट प्रकट हो रहा है, टेल की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी इसके लिए, देखिए टेल कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले डायरेक्टली पी ए, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं 1/4, 1/12, 1/12, 12, 6 टाइम है, इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। ये टेल एटलीस्ट 1 टाइम आ रहा है तो 1/4, यहाँ पे देखिए 6/12 और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 और इसकी कैलकुलेशन करें 4, 1+2, 3/4, ये पी ए की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, एटलीस्ट 1 टेल प्राप्त हो जाएगा इससे, एक बार टेल प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बी के लिए, बी दे रखा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसको,
चार से बड़ी संख्या प्राप्त होना। चार से बड़ी यहाँ पे दो इवेंट है प्राप्त हो रही है T5 और T6 में। तो पी भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं 1/12 प्लस 1/12, 2/12, 1/6। इंटरसेक्शन क्या है इनका, ए और बी का इंटरसेक्शन अगर बात करें तो ऐसी घटना जहाँ पे टेल आ रहा है और बड़ा होना चाहिए 4 से, तो T5 और T6 ये दोनों के दोनों इवेंट इसके इंटरसेक्शन में होगी, तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर आप ज्ञात करें प्रायिकता 2/ हो जाएगी, ये भी 12 क्योंकि 1/12 प्लस 1/12, ये 2/12 हो जाएगी इस तरह से। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2/12 मीन्स 1/6। अब हमें फाइंड ये करना है कि एटलीस्ट वन टेल प्रकट होना दिए हमें दिया गया है और चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें ए गिवन है, बी फाइंड करना है, बी इसके रेस्पेक्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तहत ये फॉर्मूला अप्लाई करें अपॉन पी ए। वैल्यू पुट करें अगर इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन 3/4, इसको पूरा कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 4/18 2/9 प्राप्त होता है, जो अभीष्ट प्रायिकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन हमें पूछी है इसके लिए। इस प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। इसके एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिसकेलनेस में से जुड़े हुए प्रश्नों को जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हमें इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, 16.2। तब तक आप बने रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।